सहारा कंपनी के निवेशकों की रकम वापसी का सिलसिला राजनांदगांव जिले में शुरू हो चुका है। इसके तहत 3 दिन में ही 105 से अधिक निवेशकों को उनके पैसे वापस किए गए हैं। वहीं अन्य निवेशकों के दस्तावेजों का सत्यापन का सिलसिला तहसील कार्यालय में जारी है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बाकी निवेशकों को भी पैसे वापस किए जाएंगे। तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि सहारा क्रेडिट और सहारा क्यू शॉप के निवेशकों के खाते में 2 दिन में ही 1,74,000 की राशि डाली गई। बाकी निवेशकों का सत्यापन के पश्चात उनके खाते में भी राशि डाली जाएगी। कलेक्टर महोदय से सहारा निवेशकों की सूची सत्यापन के बाद प्राप्त हुआ है। पहले प्रत्येक तहसील स्तर पर सूची मंगाई गई थी आवेदनों की स्क्रूटनी करके, हमने भेजा था। फिर सहारा कंपनी को वो सूची सत्यापन के लिए भेजा गया था। सहारा कंपनी ने अपने अपने निवेशकों के खातों की इंक्वायरी करके उन्होंने सत्यापित सूची हमको दिया है। राजनांदगांव तहसील में 1,042 निवेशकों की सूची आई है। उसके पश्चात जिला से हमको लगभग 1,85,00,000 की राशि उनके खाते में अंतरण हेतु प्राप्त हुई थी। इसी अनुक्रम में प्रतिदिन एसटीएम सर, तहसीलदार, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे राजस्व की टीम, राजस्व निरीक्षक, सारे लोग अभी आवेदकों को बुला के कंटिन्यू दस्तावेजों के परीक्षण का काम कर रहे हैं। उनके खाते अकाउंट नंबर की भी हम जानकारी ले रहे हैं ताकि गलत खाते में जानकारी ना जाए, राशि ना जाए। बताया गया है कि जिले में अब तक 15 करोड़ से अधिक की राशि चिटफंड निवेशकों को लौटाए जा चुके हैं।